नीचे जो चूल्हा है जहाँ पर आग जलाई जाती है, ये थोड़ी सी। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज अब ये मैं करीब से मोबाइल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि शोर बहुत है, रश बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा अजमी रहमतुल्लाह के बुलंद दरवाजा के पास हम पहुँच रहे हैं। ये यहाँ का नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये गलियाँ सजाई हुई हैं चारों तरफ से। यहाँ पर पूरे जो अजमेर का शहर है, हर जगह इस वक्त लाइटिंग हुई है। अल्लाह के दरबार में इसी तरह से मेला लगा रहता है दिन रात 24 घंटे। और ये सामने हम पहुँच गए हैं बुलंद दरवाजा के पास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या सरताज हिंद हिंदुन वली रहमतुल्लाह अलैह, ये अंदर जाकर जो है मैं वहाँ पर अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पाबंदी बहुत सख्त रखी गई है। सबसे पहले आप यहां पर इस बड़ी देग का दीदार करें जहां पर कोंटलू के हिसाब से खीर और ये नियाज तैयार की जाती है, फिर ज़ायरीन में तकसीम होती है ये। और ये देखते सबसे बड़ी करामत की थोड़ी सी चार लकड़ियाँ लगी हुई और इतनी बड़ी देग इन चार लकड़ियों से तैयार होती है। अब यहां पर सबसे पहले गुंबदे ख्वाजा अजमी रहमतुल्लाह अलैह का हम दीदार करते हैं और ज़ायरीन का हजूम आप बखूबी इस वक्त वीडियो के ज़रिए भी देख रहे होंगे। जो यहाँ पर लोग नहीं आए हैं वो भी इस वक्त देख रहे होंगे। आप देखिए कि किस तरह से बगैर किसी मज़हब के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। ख़वातीन हज़रात सभी मर्द और जन बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए ख्वाजा अजमी रहमतुल्लाह के दरबार में जब सदियों से आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस वक्त दरबार दरगाह ख्वाजा अजमी रहमतुल्लाह अलैह का अंदर से सफाई का काम किया जा रहा है। जो भी फूल और न्याज़ो नज़र डाली जाती है वो यहाँ पर अंदर से साफ़ कर रहे हैं और हमें भी इस वक्त इंतज़ार में रखा गया है। हम भी इंतज़ार करें और ज़ूम इन करके मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप भी दीदार कर पाएँ, जो यहाँ पर आए हैं वो भी और जो नहीं आए हैं वो भी इसका दीदार कर पाएँ। अंदर जाकर वहाँ पे बहुत मुश्किल होगी, वीडियो नहीं बनाई जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बाहर से ही जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी यहाँ से दीदार करें, क्योंकि अंदर जाकर बहुत हजूम होता है, बहुत ज़्यादा रश रहेगा, अंदर जाकर वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाएगी। तो ज़ायरीन का हजूम यहाँ पर देख रहे हैं आप। हम यहाँ इंतज़ार में हैं कि कब हमें इजाज़त मिलेगी और अंदर हम जाएँगे और दीदार करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि ये मैंने जो वीडियो बनाई ये आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो।